Hello everyone, this is Sonal Bharti and I am telling you how to solve the questions of voice very easily and quickly. मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से voice के questions को solve कर सकते हैं and अच्छे marks gain कर सकते हैं in competitive exams like SSC, है ना? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि voice और narration से related होते हैं. मैं one by one पहले voice finish करूँगी, फिर narration के भी बारे में बताऊँगी और then I will take up the other topics of grammar of English. Okay, so let's begin. I have already uploaded one more video on the basics of voice. Voice ke basics ke baare mein maine ek video upload kiya hai. Do watch that video. That video is available in the playlist of my channel. तो आप जरूर वहां पर जाए और उसे पहले देख ले. वो आपके concept को बहुत ही clear कर देगा related to voice. After that, now come. हमने पढ़ा था पहले क्या होता है voice. तो voice, there are two types of voice, active voice and passive voice. जब हम active voice में sentence को लिखते हैं तो इसका मतलब हम जो importance देते हैं वो doer को देते हैं और इसलिए जो subject होता है that is doer. लेकिन जब हम same sentence को same sentence नहीं कहेंगे, same बात को passive voice में लिखते हैं तो जो हमारा subject होता है वो doer नहीं होता है. जो जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, which get affected by the action, that is our subject in passive voice. This is the basic thing. अब हमें voice के बारे में थोड़ा और जानने के लिए tense की जानकारी होनी चाहिए. तो मैं अभी बहुत ज़्यादा detail में तो नहीं जाऊँगी tense पर, क्योंकि tense is already a very big chapter. उस पर फिर कभी separate video बनाकर मैं बताऊँगी कि tense क्या होता है और बहुत आसान तरीके से वो भी समझा जा सकता है. That is also not very difficult. लेकिन क्योंकि हम मार्क्स गेन करने की बात कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी पहले सीख लेते तरीका, शॉर्टकट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, किस तरह से हम इजीली स्कोर कर पाएंगे. थोड़ा सा टेंस, देयर आर 12 टेंसेस, 12 टेंस होते हैं. आपको नाम भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं अभी बता दे रही हूं. थ्री टाइम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब ये जो तीन समय है, ये तीन समय चार भागों, चार सब टाइम्स में डिवाइडेड है और इसी तरह से 4 × 3 बिकम्स 12. सो देयर आर बेसिकली 12 टेंसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं. अब इनका जो डिवीजन होता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, then present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. So these are all 12 tenses. हमें अभी सारा 12 tenses नहीं पढ़ना है और tenses में जाना भी नहीं है. tense को लेकर के ज़्यादा tension भी नहीं लेना है. आसान तरीके से सीखना है voice के बारे में कि कैसे हम सेकेंडों में voice के सवाल बना सकते हैं. मैंने tense के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर helping verb है. हेल्पिंग वर्ब, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, तो इसे यूज करने के लिए थोड़ा बहुत हमें टेंस आना चाहिए. क्या आना चाहिए? तो प्रेजेंट क्या है? मतलब अभी ये जो मोमेंट है, दिस इज प्रेजेंट. इस मोमेंट में कोई काम होगा तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. पास्ट क्या है? तो जो बीत गया, हो गया, खत्म हो गया जिस मोमेंट में काम, दैट इज पास्ट. फ्यूचर क्या है? जब होगा काम, आने वाला समय. हेल्पिंग वर्ब का चुनाव भी हम इसी टाइम टेंस को लेकर के करते हैं और हम देख रहे हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर में ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है. तो इसके यूज को जानने के लिए बस इतना ही टेंस का ज्ञान हमें चाहिए था. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसके वैसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. बहुत ही आसान है. यहां पर जो टेंस आ रहा है उसको लेकर के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व होगा. सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है जनरल स्ट्रक्चर में. वर्ब जो होते हैं उसके पांच फॉर्म होते हैं. उन पांच फॉर्म में से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो फॉर्म का यूज करते हैं, V1 या V5 का प्लस ऑब्जेक्ट का. आपकी स्ट्रक्चर सेम ही है. दिस इज एक्टिव स्ट्रक्चर. यू कैन रिलेट इट फ्रॉम हियर. यहां से आप रिलेट भी कर सकते हैं. एक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट जो है वो काम करेगा.
है ना, रेखा वॉशिस हर क्लोथ्स इन द वॉशरूम, है ना, रेखा वॉशिस हर क्लोथ्स इन द वॉशरूम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो हमें अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड्स आते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके प्लेस के बारे में हमें चिंता करना है ना कुछ, वो जहां है वहीं पर पड़े रहेंगे, पैसिव में भी और एक्टिव में भी। पैसिव, अभी मैंने क्या बोला, पैसिव और एक्टिव ये एक ही बात को हम दो तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन जब एक्टिव में बोल रहे हैं मतलब जो काम कर रहा है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब पैसिव में, और इसलिए सब्जेक्ट हमारा वही होता है जो काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तब हम इंपॉर्टेंस देते हैं जो काम हुआ है ना, जो अफेक्टेड हुआ, जिससे काम, जिस जो चीज काम से अफेक्टेड हुआ उसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, और जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इसलिए वो बाद में आता है सेंटेंस के लास्ट में, है ना, ऑब्जेक्ट द रियल सब्जेक्ट होता है। अब अगर इसी को पैसिव बनाना है, गो बैक कहां पर आना है, जो जनरल पैसिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट द रियल ऑब्जेक्ट, यहां पर रियल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर क्लोथ्स एंड दीज आर अदर वर्ड्स। नाउ ओनली आई टोल्ड यू डोंट बॉदर अबाउट अदर वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बॉदर करना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स। हाँ, अब मैंने बोला टेंस हमें जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम हेल्पिंग वर्ब, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज कर पाए। प्रेजेंट टेंस में है ना, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, वॉशेस, तो प्रेजेंट में हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो है इज, एम और आर। अभी इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम वी यूज विथ आई, इज सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, वी यूज एम विथ आई, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आर इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हम आर का यूज करेंगे इन प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। पैसिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना ही करना है, हर क्लोथ्स, क्लोथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, क्लोथ क्लोथ क्लोथ्स, पेन पेंस, बल्ब बल्ब्स, फैन फैंस सिंगुलर, फैन इज मूविंग प्लूरल, फैंस आर मूविंग, क्लोथ इज वॉस्ड, क्लोथ्स आर वॉश्ड, आर वॉश है ना, वी थ्री वॉश वॉश्ड वॉश्ड वॉशिंग वॉशेस, हर क्लोथ्स आर वॉश्ड। देन क्या है हमारा, बाय, कौन है हमारा सब्जेक्ट, रेखा, हर क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय रेखा। फिर मैंने क्या बोला, जो अदर वर्ड्स है उसके बारे में कुछ बॉदर भी नहीं करना है, जहां है वहीं लिख देना है, इन द वॉशरूम। क्या हमें जनरल स्ट्रक्चर से आसानी नहीं हो रही है किसी भी टेंस में रह रहे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने, बहुत आसान हो रहा है। छोटी छोटी बातें हैं जो हर वीडियो में मैं डील करती रहूंगी, और ये छोटी बातें बस कुछ सेकेंड्स की है, एक दो मिनट की बात है, अगर इतना समझ में आ गया तो ये कुछ है ही नहीं। अब आप यहां से ही पैसिव स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, सब्जेक्ट द रियल ऑब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, क्यों यूज किया आर, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट है ना, वॉज्ड वी थ्री, बाय रेखा एक्चुअली द सब्जेक्ट, एंड देन द अदर वर्ड, सो दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हो गया हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर, और हमारा पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ये, सब्जेक्ट प्लस
helping verb plus V3. Helping verb में कौन सा helping verb use करेंगे हम? Is singular के साथ, am plural के साथ, sorry I के साथ, are plural subject के साथ. V3 by object and then अगर कोई other words है, so that other words ऐसे ऐसे structure में you add करने की कोई जरूरत नहीं है. बस okay, हमारा simple present tense का passive voice में conversion. ऐसे ही next video में I will deal with simple past tense and likewise there will be 12 videos. Watch one by one, एक एक करके देखिए, question solve कीजिए. I am sure अगर आप follow करेंगे video को और साथ साथ question भी solve करेंगे तो voice सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा. ये एक बहुत ही मतलब मुझे I find it the easiest topic in grammar of English and you will also find it very easy if you just follow these tricks which I am giving you. Thank you.